टीवी 9 पे 2023 का रंग जमाने के लिए हम कवियों के साथ आए हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण पांडे और जितने भी दर्शक हैं मैं सबको नमस्कार और आभार व्यक्त करता हूं। और 2023 की शुभकामनाओं के साथ जो कवियों की जो टोली आपके साथ है वो आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी और ये भी बताएगी कि 2022 ने हमें क्या दिया और 2023 जो आने वाला है हमारे उम्मीदों की 23 का ऐसा होगा। तो सबसे पहले मेरे आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बाएं ओर हैं देश के जाने माने, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे अपना नाम फैलाने वाले, देश का बखान करने वाले और मुस्कुराहट लाने वाले, चेहरे पे हंसी खुशी लाने वाले हमारे साथ है राजेश चेतन जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और उनके बगल में बैठे हैं एक जाना माना चेहरा जो आप तमाम टीवी चैनलों पे अक्सर देखते होंगे, मुस्कुराहट के साथ हैं। उनका नाम होता है, बहुत बड़ा नाम है साहित्य का, उनका साहित्य का पुरोधा बोला जाता है। हमारे साथ हैं आज, इनका नाम होता है बेबाक जौनपुरी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक खूबसूरत बला, मैं उनको बला इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब ये अपनी कविता कहती हैं तो कहीं ना कहीं कटाक्ष करती हैं, जब श्रृंगार करती हैं तो श्रृंगार में भी अपनी अपने तरीके से बखान करती हैं और देश की लाडली कवित्री हैं। उनका नाम होता है मंजू साक्या। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हमारे दाहिनी तरफ हैं एक बहुत ही उमदा नाम, जो हास्य करते हैं, जो व्यंग लिखते हैं, जो देशभक्ति की बात करते हैं और कहीं ना कहीं नवरस जिसको बोला जाता है, नवरस में लिखने वाला कवि हमारे साथ है। उनका नाम होता है रमेश गंगेले जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो 2023 कैसा होगा और ये 2023 हमें क्या देकर आएगा, इसके लिए जानने के लिए और कुछ 2022 की खट्टी मीठी यादों के लिए मैं जाना चाहता हूं सीधे बिना किसी भूमिका के मंजू साक्या जी को। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू साक्या जी। बहुत धन्यवाद अरुण जी और सभी को 2023 की शुभकामनाएं देती हूँ। चार पंक्तियों के साथ कहती हूँ कि नए साल में क्या होना चाहिए जी, कि दूर हो सब गिले इस नए साल में। क्या बात है, दूर हो सब गिले इस नए साल में, हो नए सिलसिले इस नए साल में, कोई ख्वाहिश किसी की न बाकी रहे, कोई ख्वाहिश किसी की न बाकी रहे, सबको सब कुछ मिले इस नए साल में। राहुल गांधी जी को मिलेगी कि नहीं कुछ? बिल्कुल, राहुल गांधी को भी मिलेगा और मैं चार पंक्तियों के माध्यम से बताती हूँ कि कैसे जी, मिलेगा जी। कि अब की काला न कुछ भी रहे दाल में, अब की काला न कुछ भी रहे दाल में, जी उलझ जाए ना झूठे जंजाल में, क्या बात है, भूलो कुछ भी भले याद रखना मगर, भूलो कुछ भी भले याद रखना मगर, पूरे वादे हो सब इस नए साल में। बहुत सुंदर, क्या बात है। कहते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जादू टोना न हो इस नए साल में। क्या बात है, जादू टोना न हो इस नए साल में, रोना धोना न हो इस नए साल में। क्या बात है, क्या बात है, लॉकडाउन की नौबत न आए प्रभु। हाय हाय वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, कष्ट बोला है वही आप बता रहे हैं, पूरे विश्व के लिए कह रहे हैं, बहुत सुंदर, कि लॉकडाउन की नौबत न आए प्रभु, अब कोरोना न हो इस नए साल में। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहती हूँ मोहब्बत से जुड़े हुए लोगों के लिए। मैं जान रहा था कि आपकी दुखती नसीब वही है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं बेबाक जौनपुरी जी। मोहब्बत तो सबको जीनी चाहिए ना, और जी चुके हैं, उनको उम्र नहीं है प्यार मोहब्बत करने की, इस उम्र में ज्यादा जीनी चाहिए। आपने कहा कि राहुल गांधी जी के लिए कहा, तो मैं कहना चाहता एकदम कह दीजिए कि राहुल बाबा को मिले सुंदर सी एक नार 2023 में। बढ़िया है, राहुल बाबा को मिले सुंदर सी इकनार, लालू जी की तर्ज पर
कुनबा ले आका। तो ये मेरी शुभकामनाएं। जरूर शुभकामनाएं दीजिए। और मंजू साकिया जी कुछ श्रृंगार पे बोल रही थी। जी मैं बोलना चाह रही थी। हाँ और मुझे लग रहा है कि राहुल जी के कुछ ज्यादा ही याद आ रही है जौनपुरी जी को, तो उन्होंने उनको याद कर लिया। तो मैं भी कुछ इसी तरह से कहना चाहती हूँ। स्वागत है। कि अक्सर ऐसा होता है कि जब डेट पे जाते हैं तो इंतजार बहुत करना पड़ता है, और जो इंतजार होता है वो बहुत दुखद होता है। तो एक लड़की कह रही है अपने प्रेमी से कि मेरे दिल में उतर कर नए साल में। क्या बात है। मेरे दिल में उतर कर नए साल में, दिल को कर ले तू दफ्तर नए साल में। सबसे ज्यादा पसंद ये आया रमेश जी, क्योंकि ये दफ्तर में ज्यादा जाते हैं। कहीं जाना नहीं, बस दिल को दफ्तर समझ। एकदम मन की बात कह दी इनकी। मेरे दिल में उतर कर नए साल में, दिल को कर ले तू दफ्तर नए साल में। डेट पर वेट हमसे कराना नहीं। डेट पर वेट हमसे कराना नहीं, आना जाना समय पर नए। क्या कह दिया, वाह क्या बात है, क्या बात है। और एक शिकायत होती है कि जब फोन करें और सामने वाला होल्ड कर दे, बहुत इरिटेशन होता है। और काट भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते। तो मैंने चार पंक्तियां कही हैं। स्वागत है। जी जी स्वागत है। पुरुषों की फितरत होती है ना इधर उधर मरने की, लड़कियों के मन का भाव। चेतन जी को तो नहीं बोल रही आप? हाँ आपको भी बोल रही हूँ कि उस पे मरना नहीं इस नए साल में। क्या बात है, क्या बात है। उस पे मरना नहीं इस नए साल में। क्या बात है। तुम बिगड़ना। इशारा किसकी तरफ किया है आपने? सब मेरी तरफ भी देख रहे हैं भाई। कि उस पे मरना नहीं इस नए साल में, तुम बिगड़ना नहीं इस नए साल में। और चाहो ब्रेकअप ना हो तो मेरे फोन को, चाहो ब्रेकअप ना हो तो मेरे फोन को होल्ड करना नहीं तुमने साल में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो बैचलर है लड़कियां, जिनको तलाश है महबूब की, वो क्या कहती हैं ईश्वर से प्रार्थना करके। ये TV9 वाले जरूर पहुंचाएंगे ये, अब जो बहुत इनकी पहुंच दूर तक है। आपने देखा होगा न्यू ईयर पे मंदिरों में बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है जी, वहाँ युवतियां क्या मांगती हैं। ओहो आप तो एकदम वो बात बता रहे हैं, रहस्य की बात बताया जा रहा है TV9 के नेटवर्क पे। राज की बात बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं ही आई हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि मेरे नखरे उठाए नए साल में, मेरे नखरे उठाए नए साल में, कपड़े गहने दिलाए नए साल में। क्या बात है। और मुझको महबूब ऐसा कोई चाहिए, मुझको महबूब ऐसा कोई चाहिए, मुझको लंदन घुमाए नए साल में, मुझको लंदन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाइना ना घुमाए बस, लंदन। आपने बहुत अच्छी बात बोली, इसीलिए आपने लंदन बोला, जापान और चाइना नहीं बोला। हाँ स्वागत है, वाह। और इसकी और ये जो लंदन घुमाने की जो विधा है, ये राजेश चेतन जी जानते हैं, इसीलिए मैंने बोला है। जी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझ गए हैं, मैंने क्यों बोला यही है यहाँ पे, मैंने इसीलिए बोला, मैं स्पेशल इनके लिए पंक्तियां लिख के लाई। जी स्वागत है। और अभी राजेश जी कह रहे थे कि चाय नहीं पियोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने एक चार पंक्तियां और कही हैं, आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। हाँ। जी जी स्वागत कि है। कि चाय एक कप पिला दो नए साल में, चाय एक कप पिला दो नए साल में, सीट पक्की करा दो नए साल में। हम भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं राजेश जी, सुनिएगा। और नेशनल TV के माध्यम से कह रहे हैं सीट पक्की होनी चाहिए, आपको जहाँ पहुँचना है आपको। वाह। कि चाय एक कप पिला दो नए साल में, सीट
पक्की करा दो नए साल में। अब ठिठुरने की नौबत पे ले आए हो, ठंड बहुत है। अब ठिठुरने की नौबत पे ले आए हो, एक स्वेटर दिला दो नए साल में, एक स्वेटर दिला दो नए साल में। वाह। और कहती हूँ राहुल बाबा टी शर्ट में घूम रहे, इनको स्वेटर दिला दो, इसीलिए तो कहा है। देखिए ऐसा तब कीजिए आप, तब कीजिए कि स्वेटर की जरूरत ही ना पड़े। जी अब आप लोग हैं इतने सारे कोर्ट में बैठे हैं, मैं बेचारी ऐसे बैठी हूँ तो कहना तो बनता है ना। जी जी एकदम स्वेटर, अब चार स्वेटर मिलने चाहिए मुझे बाहर जाके। टीवी नाइन वाले दिलाएंगे। गीत गाते रहे इस नए साल में, गीत गाते रहे इस नए साल में, गुनगुनाते रहे इस नए साल में, गुनगुनाते रहे इस नए साल में। जीत जाने की उम्मीद दिल में लिए, जीत जाने की उम्मीद दिल में लिए, मुस्कुराते रहे इस नए साल में, मुस्कुराते रहे इस नए साल में, मुस्कुराते रहिए। ये इनकी शुभकामनाएं थी टीवी नाइन नेटवर्क पे। मंजू साकिया जी इसका पार्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, कुछ पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ, फिर मैं रमेश गंगेले जी के पास जाता हूँ कि ये अपने पिटारे से क्या लाए हैं आप दर्शकों के लिए शुभकामनाओं के साथ। कि आया वर्ष नवनीत, कि आया वर्ष नवनीत, पिछला तो गया बीत, आया वर्ष नवनीत, पिछला तो गया बीत, गाइए खुशी के गीत, दर्द भूल जाइए। कि आया वर्ष नवनीत, पिछला तो गया बीत, गाइए खुशी के गीत, आप मुस्कुराइए और लीजिए अभी तो प्रण, स्वस्थ रखे तन मन, बहुत जरूरी है स्वस्थ रखना, कि लीजिए अभी तो प्रण, स्वस्थ रखे तन मन, विगत की त्रुटियों को मत दोहराइए, कि विगत की त्रुटियों की, यह ज्ञान की बात कर रहा हूं कि जो हमने पिछले सालों में, मत दोहराइए, कि लीजिए अभी तो प्रण, स्वस्थ रखे तन मन, विगत की त्रुटियों को मत दोहराइए। और कोविड प्रचंड काल याद कीजिए कि पूरे विश्व ने करा दिया था इस कोविड में, कि कोविड प्रचंड काल लाया जो विगत साल, धार के सुरक्षा ढाल इसको भगाइए, कि धार के सुरक्षा ढाल इसको भगाइए, और जीवन में रोग भोग, जीवन में रोग भोग उभय का होता योग, भूलिए न राग नव वर्ष तो मनाइए, भूलिए न राग नव वर्ष तो मनाइए। और ये नव वर्ष मनाना कैसा है, मैं टीवी नाइन नेटवर्क पे बताना चाहता हूँ कि राम से ले सीख धीर, कि राम से ले सीख धीर, होंगे विधे कई तीर, राम से ले सीख धीर, विधे होंगे कई तीर, विगत का भूले पीर, आस तो जगाइए, कि राम से ले सीख धीर, विधे होंगे कई तीर, विगत का भूले पीर, आस तो जगाइए। और 14 वर्ष बाद कटा जाने वनवास, योगी सम नव वर्ष सुखद मनाइए, कि योगी सम नव वर्ष सुखद मनाइए। और ये कैसा प्रदेश है, कि वरद प्रदेश है ये, राम जी का देश है ये, कि वरद प्रदेश है ये, राम जी का देश है ये, कितनी भी विपदा हो नित मुस्काइए, कि कितनी भी विपदा हो नित मुस्काइए। और नए साल ले मिथान, नए साल में ले ठान, देंगे दीन हित प्राण, न्याय नीति धार कर राम राज्य लाइए, कि न्याय नीति धार कर राम राज लाइए। तो ये शुभकामनाओं के संदेश के साथ में सीधे जाता हूं रमेश गंगेले जी के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश गंगेले जी। बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने मेरे लिए भूमिका बांध दी। वाह। और मित्रों, जैसे कि हमें पता है कि विगत वर्ष 2022 में देश का जो संभाव है जी, वो बिगड़ा रहा, और बहुत जरूरत है देश को सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बनाने की। क्या बात कह रहे हैं, वाह बिल्कुल। और मैं चाहता हूं चैनल के माध्यम से वाह, कि 2023 में ऐसा ना हो। क्या बात है। इसी संदर्भ में पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है। नए इस वर्ष 23 में
भाईचारा बढ़ाना और नए इस वर्ष 23 में भाईचारा बढ़ाना और के हिल मिलकर सभी रहना जी करना बात पर इस गौर के हिल मिलकर सभी रहना जी करना बात पर इस गौर हर एक वर्ष उत्सव है उसे उत्साह से जी लें। क्या बात है। हर एक वर्ष उत्सव है उसे उत्साह से जी लें कि हम हैं हिंद के वासी हमारा एक ही है खौर। वाह 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 वाह। हिंद के वासी हमारा एक ही है खौर। और जैसे कि हम जानते हैं कि 22 में दो के साथ दो होता है और 23 में दो के साथ तीन होते हैं। हमें और उत्साह से इस वर्ष में प्रगति करनी है। दो से तीन कि 22 से 23 में जाकर करना चाहती है वो नहीं कर पाएंगे ये जी। दो से तीन निवेदित है, स्वागत है। कि 22 से 23 में जाके काम बहुत है करना। अच्छा। कि 22 से 23 में जाके काम बहुत है करना और दो से तुमको तीन मिलेंगे जो मैंने बात कही थी कि 22 में दो के साथ दो और 23 में दो के साथ तीन। बस ये दो ये ध्यान रखिए कि दो से तीन होने में जनसंख्या बढ़ जाएगी। जरूर ये अरुण जी के सर पे तो बाल है नहीं इसका ताकि हम लोगों को बचा ले। जी साथी बढ़ेंगे कि दो से तुमको तीन मिलेंगे पूरी हिम्मत रखना। और आज देश में जो कोरोना की स्थिति आ रही है कि दस्तक कोरोना की फिर से सावधान है रहना। क्या बात है। कि दस्तक कोरोना की फिर से सावधान है रहना और भय ना माने किंतु सजग रहे कर मुकाबला करना। कि भय ना माने सजग रहे बहुत सारे पैनिक जो हुए हैं पिछली बार भय ना माने सजग किंतु सजग रहकर मुकाबला करना। और कोरोना की जो महामारी है उसके बारे में पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है। के शत्रु विकराल बड़ा यमराज भांति खड़ा कि समझे ना आबे जाने कैसी महामारी है। अच्छा। के शत्रु विकराल बड़ा यमराज भांति खड़ा समझे ना आबे जाने कैसी महामारी है। और कोरोना से जंग को ना जंग लगे दोस्तों देश दुनिया की कोरोना से जंग जारी है। वाह वाह वाह। कोरोना से जंग को ना जंग लगे दोस्तों देश दुनिया की कोरोना से जंग जारी है। और हमारी इच्छा क्या है सभी की जनजन की इच्छा है कि शीघ्र ही विनाश होवे इस महामारी का। कि शीघ्र ही विनाश होवे इस महामारी का। मोदी ने तो ठान लिया अब हमारी बारी है। इतना वैक्सीनेशन करा दिया विश्व में रिकॉर्ड बना दिया। क्या बात है। शीघ्र ही विनाश होवे इस महामारी का। मोदी ने तो ठान लिया अब हमारी बारी है। और है प्रमाण जग में अनेक जानो साथियों दृढ़ इच्छा शक्ति से मृत्यु भी गई हारी है। वाह 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 वाह। शक्ति से मृत्यु भी गई हारी है। अगर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी तो निश्चित तौर पे हम कोरोना पे विजय एकदम कर पाएंगे। सही बात। बहुत बढ़िया बात। क्या बात है। आगे साहब ले चलता हूँ राहुल गांधी जी की जो अच्छा अभी नहीं छोड़ेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल है। चर्चा में है इस समय लेकिन खर्चा मिलेगा नहीं भले चर्चा जी, में जी, वाह जी बिल्कुल आइए स्वागत है। जो उनकी देश के लिए जो उनका वो चल रही है उनकी यात्रा चल रही है उसके नाम पंक्तियां देता हूँ। स्वागत है। और आजकल जोड़ तोड़ की राजनीति भी है। अब राहुल जी कैसे भारत को जोड़ रहे हैं राहुल जी पे पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। कभी तोड़ो कभी जोड़ो कि मन की मर्जी है सरकार। कि कभी तोड़ो कभी जोड़ो मन की मर्जी है सरकार। कभी चहको कभी बहको वाह क्या गजब का किरदार। कभी चहको कभी बहको वाह क्या गजब का किरदार। कि रैली मैली ना हो जाए कोरोना से मेरे यार। कि रैली मैली ना हो जाए। राहुल जी कहते हैं कि हमारी रैली को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं से पंक्तियां उठाता हूँ। कि रैली मैली ना हो जाए कोरोना से मेरे यार। जो इससे बच भी जाओगे उधर फिर ईडी है तैयार। जो इससे बच भी जाओगे उधर फिर ईडी है तैयार। ये देश की राजनीति का हाल है। और साहब राहुल जी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है और एक उनका वेश बदला हुआ है। उस वेश के नाम जी उस वेश के नाम पंक्तियां देता हूँ। स्वागत है। कि राहुल की रैली में दाढ़ी की शैली में। कि राहुल की रैली में दाढ़ी की शैली में खड़गे कहे खूब आनंद छाया। कि राहुल की रैली में दाढ़ी की शैली में खड़गे कहे खूब आनंद छाया। और जो पैदल यात्रा जो कर रहे हैं के कसरत पे कसरत है पूरी मशक्कत है। के कसरत पे कसरत है पूरी मशक्कत है। और चक्कर पे चक्कर है घन चक्कर आया। के चक्कर पे चक्कर है घन चक्कर आया। के खुद को ना रोके अरु मोदी को कोसे।
के खुद को ना रोके अरु मोदी को कोसे, राहुल की थैली में क्या क्या समाया, के खुद को ना रोके अरु मोदी को कोसे के राहुल की थैली में क्या क्या समाया। और आप समझ रहे हैं कि यात्रा हमारी पूरी हो गई है, लेकिन मेरी समझ में तुमने जो समझा कि यात्रा हुई पूरी, हमने खड़ा आरंभ में पाया, पूरी हमने खड़ा आरंभ में पाया। आप नहीं निकल पा रहा है जो जनजन का जो सुझाव, देखिए ये जनजन का सुझाव 9 वर्ष पे ये रमेश गंगेले जी, राहुल गांधी जी को भी दिए, पूरे देशवासियों को भी दिए कि शुभकामनाओं का संदेश। और मैं अपक्रम को बढ़ाता हूँ और ऐसे साहित्य सुधा के रसिक के पास मैं जाना चाहता हूँ जिनका विभाग जौनपुरी नाम होता है, कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ, फिर पूरे सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ कि साहित्य सुधा के रसिक सदा ये ऊंची रखते नाक। क्या बात, साहित्य सुधा के रसिक सदा ये ऊंची रखते नाक, और जौनपुर से आते हैं कविवर, नाम सुनो विभाग। विभाग जौनपुरी आपके बीच में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, TV9 भारतवर्ष के तमाम सुधी श्रोताओं को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं कामना करता हूँ। नया साल है आ गया लेकर नई उमंग। क्या बात है, नया साल है आ गया लेकर नई उमंग, सबके जीवन में रहे खुशहाली के रंग, सबके जीवन में रहे खुशहाली के रंग। क्या बात है, तो मैं एक दर्शकों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए अपनी रचना पाठ करता हूँ। स्वागत है, पढ़िएगा कि स्वागत है 2023 आने वाला है। क्या बात, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, अनमन ढंग से बोल रहा हूँ, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, अनमन ढंग से बोल रहा हूँ, मुट्ठी में है सवाल कोई और, मुट्ठी में है सवाल कई और, पिछले 22 तौल रहा। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2023 से मैं जानना चाहता हूं, आ तो रहे हो भैया, लेकिन बोलो खत्म क्या होगा कोरोना, बोलो खत्म क्या होगा कोरोना, सबका जीवन बच जाएगा, सन 21 का दौर भयानक फिर से तो ना आएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। नहीं करोगे शैतानी तुम, नहीं करोगे शैतानी तुम, मन में क्या टटोल रहा, स्वागत क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, वर्ष तुम्हारा, क्या बात है, क्या बात है। और मैं 2023 से पूछना चाहता हूँ, सुधरेगी क्या कभी सियासत, बहुत कठिन सवाल पूछा है, सुधरेगी क्या कभी सियासत, कब गुंडे होंगे जेलों में, और नंबर चेतन जी, सुधरेगी क्या कभी सियासत, गुंडे होंगे जेलों में, क्या बात है, नंबर 1 कब बनेंगे अंतरराष्ट्रीय खेलों में, क्या बात है, अच्छा, वाह वाह, अच्छा, अद्भुत। करूं भला विश्वास में कैसे, करूं भला
विश्वास में कैसे उद्गार हृदय के खोल रहा स्वागत है नववर्ष तुम्हारा अनमन ढंग से बोल रहा हूँ स्वागत है। क्या बात है, और एक सवाल बहुत सुलगता सवाल जो भारत के 140 करोड़ लोग के दिमाग में है वो मैं टीवी 9 नेटवर्क के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। स्वागत है। महंगाई क्या यूं ही बढ़ेगी, महंगाई क्या यूं ही बढ़ेगी, रोकोगे तुम घोटाले, महंगाई क्या यूं ही बढ़ेगी, रोकोगे क्या घोटाले, लहू सड़कों पर नहीं बहेगा, खोलोगे रोजी ताले, सड़कों पर नहीं बहेगा, खोलोगे रोजी ताले। अब पूछना चाहता हूँ, दबी हुई निज इच्छाओं को, दबी हुई निज इच्छाओं को झंझावत में झोल रहा हूँ, स्वागत है नववर्ष तुम्हारा, स्वागत। एक अंतिम सुलगता प्रश्न और मैं 2023 से करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि कम से कम 2023 में इस कृत्य कुकृत्य पे लगाम लगेगी, तब मैं लिखता हूँ। हाँ, स्वागत है आदरणीय पांडे जी। स्वागत है, स्वागत है। नहीं लुटेंगी बहन बेटियां, नहीं लुटेंगी बहन बेटियां, दहेज असुर मर जाएगा, और झूठे वादों के दलदल से, झूठे वादों के दलदल से कब नेता बाहर आएगा, स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कि मीठे झूठे वादों के दलदल से कब नेता बाहर आएगा, और मीठे शरबत, मीठे शरबत की गागर में तीखी मिर्ची घोल रहा हूँ, स्वागत है नववर्ष तुम्हारा, पिछले 22 बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपके काव्यपाठ के लिए एक बार पुनः बधाई। और क्रम में मैं आगे बढ़ाता हूँ, और हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे तो नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हास्य व्यंग के कवि हैं, और ये ऐसे कवि हैं जो इनको कवियों का सरदार भी बोला जाता है, जहाँ ये जाते हैं पलटन लेके जाते हैं, तो कुछ पंक्तियाँ इनको समर्पित करता हूँ इनके सम्मान में, फिर उनको पूरे सम्मान के साथ टीवी 9 नेटवर्क पर काव्यपाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो खुद ही सुंदर हो जी जाता है। जी जी, कि नहीं सनीचर समझो इनको, अरे नहीं सनीचर समझो इनको, ये तो है इतवार, नहीं सनीचर समझो इनको, ये तो है इतवार, और पीते हैं ये पूरी बोतल, पीते हैं ये पूरी बोतल, और ये कवियों के सरदार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आपके बीच में राजेश चेतन जी, स्वागत है दादा। स्वागत। डॉक्टर अरुण पांडे, टीवी 9 का आभार व्यक्त करता हूँ, 2023 के पहले दिन आपसे संवाद करने का अवसर दिया। स्वागत। मेरे पास शब्द नहीं है। और मित्रों, राहुल बाबा की चर्चा बहुत हो गई, लगता है ये पूरा कवि सम्मेलन राहुल बाबा पे आकर रुक गया, तो इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में मैं भी अपनी आहुति दीजिए देना चाहता हूँ। और इनकी आहुति दर्शकों बता दूं, बहुत दूर तक जाती है, और लगती एकदम वहीं पे जाए लगाना चाहते हैं।
परीक्षा में सवाल आया कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो बच्चा था यूपी का, अच्छा उसने लिखा स्थापना का तो गुरुजी पता नहीं, पर कांग्रेस का नाश कौन करेगा ये लिख दिया। अरे भाई साहब तो आओ भारत जोड़ने की यात्रा पे निकले हैं। भारत माता के पास एक ऐसा मिस्त्री है जो टूटा फूटा भारत जोड़ने का काम कर रहा है। मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूँ, ये भारत तोड़ा कब्र किसने तोड़ा? आए हाय हाय, मेरा मित्र मेरा साथ देंगे मुझे भरोसा स्वागत है। स्वागत है। भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। जौनपुरी साहब, भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा, अब ये भारत, ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। 370 धारा लाकर आग लगाई घाटी में, 370 व्यंग देखिए, 370 धारा लाकर आग लगाई घाटी में, मोमिन ने पंडित को मारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। पंडित को मारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई नारे खूब लगाए थे, हिंदी चीनी भाई भाई नारे खूब लगाए थे, गवा दिया फिर तिब्बत सारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। गवा दिया तिब्बत सारा, अब ये भारत, अब ये भारत जोड़ेंगे। बाबर अकबर औरंगजेबों को करके महिमा मंडित, बाबर अकबर औरंगजेबों को करके महिमा मंडित, शिवा प्रताप से किया किनारा, अब ये भारत, अब ये भारत जोड़ेंगे। शिवा प्रताप से किया किनारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। और भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू में नारे थे, कन्हैया साथ साथ ही घूम रहा है। भारत तेरे टुकड़े हो, जेएनयू में नारे थे, गद्दारों को दिया सहारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। अब ये गद्दारों को दिया सहारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। और पीओके की बात करता हूँ, कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लेकर आए थे, कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लेकर आए थे, पीओके में चांद सितारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। अब ये भारत जोड़ेंगे। सरदारों का खून बहाया कांग्रेस के गुंडों ने, याद करवा रहा हूँ, सरदारों का खून बहाया कांग्रेस के गुंडों ने, घायल है मेरा गुरुद्वारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। अब ये भारत जोड़ेंगे, घायल है मेरा गुरुद्वारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। मंदिर टूटे बनी मस्जिद, मंदिर टूटे बनी मस्जिदें, मंदिर टूटे बनी मस्जिदें, लेकिन तुम खामोश रहे, मंदिर टूटे बनी मस्जिदें, लेकिन तुम खामोश रहे, कहाँ था तब ये भाईचारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। अब ये भारत जोड़ेंगे। मैं अरुण भैया से कहना चाहता हूँ, हाँ दादा, 2023 सारी दुनिया में मनाया जा रहा, पर मेरा मन ये कहने का है, इस नए साल में नया तो कुछ है ही नहीं, मौसम नया नहीं, कपड़े नए नहीं, बही खाता नया नहीं, फसलें नई नहीं, केवल तारीख बदल। इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे गांव में एक संवत चलता है, शहर में तो आजकल चलता है 22, 23, 24, 25, लेकिन मेरे गांव में संवत चलता है, और संवत के अंदर मौसम भी नया होता है, कपड़े भी नए होते हैं, विद्यालय भी नया, फसल भी नई, सत्र भी नया होता है, फसलें भी नई होती। वाह 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 वाह, मैं कुछ कहना चाहता, स्वागत है, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये अंग्रेज बेचारे इतने भोले थे, अच्छा ये नहीं पता था कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, वर्षों वर्षों सदियों सदियों 10 महीने का साल मनाते रहे। सितंबर का मतलब 7वां महीना था, अक्टूबर का मतलब 8वां महीना था, नवंबर का मतलब 9वां महीना था, दिसंबर का मतलब 10वां महीना था, साल खत्म। भारत में आए तो बोले गलती हो गई, फिर जनवरी फरवरी को सेट करके आगे लगा के 12 महीने पूरे किए, सेटिंग वाला सिस्टम अंग्रेजियों का, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए सारी दुनिया आजकल अंग्रेजों का साल मनाती है। मैंने कुछ पंक्तियां कही, दर्द भरी पंक्तियां, मैं भारत के गांव के लोगों की तरफ देख के उनको समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत है। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है, नहीं जानते निज का गौरव, हमने सब कुछ लुटा दिया है। तो जनवरी फरवरी अक्षर अक्षर बच्चों को हम रटवाते हैं। देखिए
अंतरराष्ट्रीय नव वर्ष के रूप में 2023 को मनाएंगे और मनाना ही चाहिए। पर मैं बोलना चाहता हूँ जनवरी फरवरी अक्षर अक्षर बच्चों को हम रटवाते हैं, चैत बैसाख की किसको चिंता, ये भारत में कब आते हैं, व्रत पर्व त्योहार सभी हम संवत के अनुसार मनाते, फिर भी नूतन संवत को हम घर का आंगन नहीं सजाते, माना तन की पराधीनता, जंजीरें तो टूट गई हैं, भारत के मन की आजादी लगता पीछे छूट गई है, सत्य सनातन पुरखों वाला वैज्ञानिक संवत अपना है, क्यों ढोते हैं हम अंग्रेजी को, अपना होता ही अपना है, अपने आंगन की तुलसी को अपने हाथों जला दिया है, 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है। वाह 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 वाह। मैं चलते चलते अरुण जी, वाह 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 वाह, मैं चलते चलते ये कहना चाहता हूँ कि 2023 में भारत का एजेंडा क्या होना चाहिए। वाह वाह। मैं भगवान के चरणों में कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ 2023 के लिए, पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए। स्वागत है। मंगल मंगल करते जाओ 23 में, आए हाय हाय, मंगल मंगल, मंगल मंगल करते जाओ 23 में, हिंसा भय दारिद्र मिटाओ 23 में, अर्थव्यवस्था विश्व स्तर की हो जाए, अर्थव्यवस्था विश्व स्तर की हो जाए, श्री लक्ष्मी के कमल खिलाओ 23 में, वाह वाह वाह, श्री लक्ष्मी के कमल खिलाओ 23 में, और कोविड की चिंता सबने की, तो मैं भी बोलना चाहता हूँ कोविड से भी पूर्ण सुरक्षा करनी है, आप तो स्वयं डॉक्टर जी, कोविड से भी पूर्ण सुरक्षा करनी है, अनुशासन का पाठ पढ़ाओ 23 में, एकदम सही बात। न्यायालय ने राम का मंदिर बनवाया, न्यायालय ने राम का मंदिर बनवाया, मथुरा में भी दीप जलाओ, मथुरा में भी दीप जलाओ 23 में, जनसंख्या विस्फोट नियंत्रित करने को, जनसंख्या विस्फोट नियंत्रित करने को एक नया कानून बनाओ 23 में, ये भी बात एकदम, एक नया कानून बनाओ 23 में, खेत किसानी उन्नत हो संपन्न बने। योगा वर्ष के बाद यूएन ने अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया है, मैं बताना चाहता हूँ, मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर 2023 भारत की बड़ी देन है, क्योंकि मोटा अनाज पोषक अनाज है जिसमें सारे प्रोटीन है, सारे विटामिन्स हैं, तो भारत 20% मोटा अनाज दुनिया में पैदा करता है। तब मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, खेत किसानी उन्नत हो संपन्न बने, मोटे अनाज को फिर अपनाओ 23 में, फिर अपनाओ 23 में, दुनिया में फिर भारत भारत गूंजे, दुनिया में फिर से भारत भारत गूंजे, जय स्वदेश का मंत्र गुंजाओ 23 में, वाह 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 वाह। तो ये आपके बीच में थे अंतर्राष्ट्रीय हास्य व्यंग के कवि राजेश चेतन जी, मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए, आभार आपको व्यक्त करता है TV9 नेटवर्क आपके सुंदर काव्य पाठ के लिए। और ये जो क्रम है जो हम कवियों के साथ आज बैठे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं, नव वर्ष की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं और फिर मैं अपने रमेश गंगले जी के पास जाऊंगा। और ये नव वर्ष चेतन जी, जो आपने पढ़ी कविताएं, जो विभाग दादा ने पढ़ी, तो ये नव वर्ष हमें मनाना क्यों चाहिए? बहुत अच्छा। कि यादों के विगत तीर, यादों के विगत पीर, जो बिथे रहे कई तीर, जो हम जो पिछले साल जो हमें कुछ चुभी हैं, जो चीजें चुभी हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई, उस पे मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। कि यादों के विगत पीर, विधे रहे जो भी तीर, भूल कर हार जीत आप मुस्कुराइए। और ये मुस्कुराने की वजह से ही, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे लाने के लिए TV9 ने ये टोली सजाई है, ये रंग दिखा रहा है। कि यादों के विगत पीर, विधे रहे जो भी तीर, भूल कर हार जीत आप मुस्कुराइए, और मुस्कुराइए ये भी सोच कि दर्द को भी दिया है मोच। दर्द को भी दिया है मोच, जी हाँ, डॉक्टर हैं तो बताना पड़ता है कि मुस्कुराइए ये भी सोच कि दर्द को भी दिया है मोच, बस अर्थ स्वार्थ काम से विरक्त हो जाइए, बस अर्थ स्वार्थ काम से विरक्त हो जाइए, और हो जाइए विरक्त, और हो जाइए विरक्त, और
देश सेवा में गिरफ्त, देश सेवा में गिरफ्त हो जाइए विरक्त और देश सेवा में गिरफ्त, मिलकर सब यहाँ प्रण अपनाइए कि मिलकर सब यहाँ प्रण अपनाइए और प्रण अपना कर यहाँ नया गीत गा कर यहाँ पूरे उल्लास से नव वर्ष को मनाइए, प्रण अपना कर यहाँ नव गीत गा के यहाँ पूरे उल्लास से नव वर्ष तो मनाइए, प्रेम में गिरफ्त। जी हाँ, बहुत सुंदर आपने जो है कहा, बहुत आभार, बहुत आभार। कुछ पंक्तियां और समर्पित करता हूँ विभाग दादा चंद्र, सुनिएगा कि ये क्यों, ये वर्ष क्यों आया है कि यादें सुहानी है, जो बीत जाता है हम उसको भूलते नहीं है, उससे शिक्षा लेते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। क्या बात है कि यादें सुहानी है उसको न भुलाएंगे, यादें जो सुहानी है उसको, यादें सुहानी है उसको न भुलाएंगे, कई पुण्य अर्जित है, कई पुण्य अर्जित है उन्हीं को गुनगुनाएंगे, कई पुण्य अर्जित है उन्हीं को गुनगुनाएंगे, किसी का बीत जाना ही किसी का जन्म लेना है, किसी का बीत जाना ही किसी का जन्म लेना है, 22 का बचा किस्सा 23 में सुनाएंगे, 22 का बचा किस्सा 23 में सुनाएंगे। और क्या सुनाना है, और क्या ये 2023 लेके आया है कि नई खुशियाँ नई ऊर्जा, नई खुशियाँ नई ऊर्जा, नई बारात लाएगी, नई खुशियाँ नई ऊर्जा नई बारात लाएगी, अपने साथ सपनों की कई सौगात लाएगी, अपने साथ सपनों की कई सौगात लाएगी, कोई भी ठौर न बच पाए इसके प्रभाव से, पूरी दुनिया 2023 में बचेगी नहीं, 2023 को लाने में उसको उसको सम्मान करने में, कि कोई भी ठौर न बच पाए इसके प्रभाव से, 23 तो तरक्की का नए औकात लाएगी, 23 तो तरक्की बहुत अच्छे का नए औकात लाएगी। और जब राजेश चेतन जिस मंच पे होते हैं तो कहीं ना कहीं हास्य में भी कुछ बताना होता है कि हम भी हास्य पढ़ते हैं, तो इनके समक्ष कुछ हास्य की पंक्तियां भी रखता हूँ कि नववर्ष कैसे मनाना है हमें, स्वागत कैसे मनाना है, कि आंखों में नींद आई ख्वाब में मैं खो गया, मेरा जो जो पत्नी पीड़ित पति होते हैं उनका नववर्ष कैसे बनता है, जी जी कि चेतन जी की आंखों में नींद आई ख्वाब में मैं सो गया, आंखों में नींद आई ख्वाब में मैं खो गया, कैलेंडर ले माल्या का बाहों में सो गया, कैलेंडर ले माल्या का बाहों में सो गया, और ठंड में पत्नी ने पानी डालकर जगाया कि बर्तन को धो जल्दी नववर्ष तेरा हो गया। ऐसे भी नववर्ष मनाते हैं, ये बात चेतन जी कभी नहीं बताएंगे आपको कि इनका भी नववर्ष ऐसे ही मिलता है, ये बात विभाग दादा कभी नहीं बताएंगे कि इनका भी नववर्ष ऐसा ही होता है, और ये बात कभी भी रमेश गंगले जी नहीं बताएंगे, केवल डॉक्टर अरुण पांडे बता सकता है। अच्छा, एक नववर्ष ऐसा भी मनता है जो मैंने साथ बीता, मंजू साके सुनिएगा, स्वागत, कि ऐसा नववर्ष मैंने भी मनाया है कि, ऐसा नववर्ष मैंने भी मनाया है कि आप भी सुनोगे तो खूब मुस्कुराओगे, ऐसा नव वर्ष मैंने भी मनाया है कि आप भी सुनोगे तो खूब मुस्कुराओगे, और देता हूँ चैलेंज हंसी रोक के दिखाओ यहाँ, जहाँ भी बैठे हैं आप, कि देता हूँ चैलेंज हंसी रोक के दिखाओ यहाँ, वादा है ये आपसे आप हार जाओगे, वादा है ये आपसे आप हार जाओगे, और बचपन के प्यार को कहा मैंने लव यू, लव यू, लव यू, लव नहीं बोला था, लव लव लव, कि बचपन के प्यार को कहा मैंने लव यू,
भाव में वो खोके बोली क्या है मतलब बताओगे कि भाव में वो खोके बोली क्या है मतलब बताओगे। और बधाई देने का मुझे लगता है ट्रेंड नया, बधाई देने का मुझे लगता है ट्रेंड नया। और नववर्ष पे बोलो भैया घर कब आओ, नववर्ष पे बोली भैया घर कब आओगे। तो नववर्ष ऐसा भी मन सकता है। मैं अपने क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, मैं रमेश गंगेले जी के पास जाता हूँ और रमेश गंगेले जी के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ और फिर इनको सम्मान के साथ बुलाता हूँ। कि हस 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 के व्यंग बोलते, हस हस के व्यंग बोलते और जिसको भी चाहे घेरे, हस हस के व्यंग बोलते जिसको भी चाहे घेरे। और कवियों के साथी हैं, इनका नाम है रमेश गंगेले। बहुत-बहुत आपका से स्वागत कीजिए रमेश गंगेले जी का एक बार फिर। आइए, आपका स्वागत है। जाने माने कवि और जाने माने चिकित्सक अरुण जी ने पुनः आमंत्रित किया, धन्यवाद, स्वागत है। और साहब बहुत सारे मुद्दे आपने दे दिए और मैं सबसे पहले नए वर्ष के नए अंदाज में पाकिस्तान और चीन को धमकाना चाहता हूँ। धमकाइए जी। हाँ। कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, हाँ। और बाप है तेरा हिंदुस्तान। हाँ, ये बात सही है। सुन ले बेटा पाकिस्तान, हाँ। और बाप है तेरा हिंदुस्तान, हाँ। और सुन ले बेटा चीन, हाँ। आया सपेरा लेकर भी। बहुत बढ़िया है। सुन ले बेटा चीन, आया सपेरा लेकर भी, हाँ। दोनों को बहुत नचाएंगे, हाँ। और अब की बार जो ना माने तो, हाँ। लाल किले का यही तिरंगा, हाँ। लाहौर बिच लहराएंगे। लाल किले का यही तिरंगा लाहौर बिच लहराएंगे। और चार लाइनें इसी संदर्भ में और देता हूँ कि चीन का, हाँ। चीनी सा नाप हो जाए, अच्छा सुगर क्रिस्टल, हाँ, इतना छोटा छोटा सा नाप, हाँ। के चीन का, हाँ। चीनी सा नाप हो जाए, हाँ। और पाक का, हाँ। तेरहवीं जाप हो जाए, हाँ। अरे सारे दलों का साथ जो मोदी को मिले, अच्छा। भारत दुनिया का बाप हो जाए। सारे दलों का साथ जो मोदी को मिले, भारत दुनिया का बाप हो जाए, भारत दुनिया का बाप हो जाए। और साहब अरुण जी ने कुछ दर्द की बात की थी और अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, दर्द जो दिल्ली ने सहा, हाँ। जो श्रद्धा केस हुआ दिल्ली में, हाँ। नारी शक्ति को नमन करते हुए मैं लाइनें पढ़ना चाहता हूँ कि हादसा, हाँ। ऐसा जिसने कि भाई सबको पीछे छोड़ दिया, कभी नहीं ऐसा सुना दर्दनाक ऐसा हादसा, जी जी, कि हादसा ऐसा जिसने कि भाई सबको पीछे छोड़ दिया और नए वर्ष के पूर्व पहर ने नारी को झकझोर दिया, कि नए वर्ष के पूर्व पहर ने नारी को झकझोर दिया, अरे नारी पूजन वाले देश में कैसी हुई नारी बदहाल। हम नारी को शक्ति का अवतार मानते हैं, दुर्गा के रूप में पूछते हैं, क्या बात, कि नारी पूजन वाले देश में कैसे हुई नारी बदहाल, कि शर्मसार दिल्ली हो गई, हाँ। क्या राष्ट्र मनाए नया साल, शर्मसार दिल्ली हो गई, हाँ। क्या राष्ट्र मनाए नया साल। और देखना संज्ञाएं देता हूं इन पापियों के नाम, अरे पापियो वहसी शैतान दरिंदो, के अरे पापियो वहसी शैतान दरिंदो, तुमने ममता मई को नोच डाला, नारी ममता की रूप है, क्या बात है। अरे पापियो वहसी शैतान दरिंदो, तुमने ममता मई को नोच डाला और अबला पर हमला कर तुमने माँ का दूध लजा डाला। अबला पर, अबला नहीं है नारी सबला है, लेकिन अबला कहते हैं, अबला पर हमला कर तुमने माँ का दूध लजा डाला, कि दया मई पर दया करो भाई, नारी का सम्मान करो भाई, कि दया मई पर दया करो भाई, नारी का सम्मान करो भाई, मेरे भाई अब तो रुक जाओ, क्योंकि सिलसिला चल रहा है उन दुर्घटनाओं का, लेकिन मैं कहता हूं कि अब तो रुक जाओ चैनल के माध्यम से, अब तो रुक जाओ, अब तो रुक जाओ। और साहब अभी पठान फिल्म का आप देख रहे हैं, बड़ी चर्चा में है, और यहां से उठाता हूं कि कैसे पठान में क्या क्या चल रहा है, चलाइए आप भी। और किस लिए ये है, ऐसा क्यों होता है, कि निजी स्वार्थ, पैसा है पैसा, अच्छा, के निजी स्वार्थ पैसा है पैसा, आज का पिज्जा बर्गर कोला, हाँ। और नारी का पहनावा ऐसा जैसे सारे तन को खोला, पठान फिल्म में देख लीजिए, के निजी स्वार्थ पैसा है पैसा, आज का पिज्जा बर्गर कोला, हाँ। और नारी का पहनावा ऐसा जैसे सारे तन को खोला,
दुनिया में क्या चल रहा है, कि कुकर्म हमारे दुर्गुण सारे उत्तरदायी हैं, कि कुकर्म हमारे दुर्गुण सारे उत्तरदायी हैं, और मानो ना मानो भाई हम अत्याचारी हैं, एकदम मानो ना मानो भाई हम अत्याचारी हैं, कि प्रकृति को हमने है ललकारा, कि प्रकृति को हमने है ललकारा, इससे पहले संयम टूटे धरती कांपे उठे सुनामी, ज्वालामयी वो लावा फूटे, हो बिना सृष्टि का इससे पहले तुम रुक जाओ, अब तो तुम रुक जाओ, अब तो तुम रुक जाओ, अब तो तुम रुक जाओ। और साहब मैं यहाँ राजभाषा से हमारे बीच में जौनपुरी जी भी विराजमान हैं, और ये बहुत अच्छा रहा कि वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने हिंदी के लिए बहुत काम किए, हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू कर दी, मैं बधाई देता हूँ इसके लिए। हिंदी का सिपाही होने के नाते हम सब हिंदी के सिपाही हैं। पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदी बिंदी हिंदी की, के हिंदी बिंदी हिंदी की दमक नी जो चाहिए थी, आज है मलिन कैसे दुती दे पाओगे। अब दुती आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक नहीं था। के हिंदी बिंदी हिंदी की दमक नी जो चाहिए थी, आज है मलिन कैसे दुती दे पाओगे, और दीनहीन हिंदी बोले वालों को समझते जो, मान सम्मान अपना कैसे बचाओगे, तो तुलसी ना सूर सा निराला रस खाने मिले, अरे मीरा बा कबीरा भार तेंदु कब जगाओगे, के तुलसी ना सूर सा निराला रस खाने मिले, के मीरा बा कबीरा भार तेंदु कब जगाओगे। और हिंदी सप्ताह जो होता है उसके नाम देता हूँ, कि एक सप्ताह है ढोले हिंदी का जो पीट लिया, और शेष सारे वर्ष बही झुंझुना बजाओगे, शेष सारे वर्ष बही झुंझुना बजाओगे, शेष सारे वर्ष बही झुंझुना बजाओगे। और बुजुर्गों के नाम में जरूर चाहता हूँ कि नव वर्ष आ रहा है, हम प्रण संकल्प लें, क्योंकि जो कोरोना का काल है इसमें बुजुर्गों के लिए लाइन अगर नहीं कहूंगा तो बेईमानी होगी, हमारे बीच में विराजमान भी है, हम बुजुर्ग तो नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भूतपूर्व नौजवान कह सकते हैं, कर दिए कि ये बुजुर्ग हैं, नौजवान कह सकते हैं, स्वागत है। पंक्तियां निवेदित करता हूं सर, स्वागत है। जो घर हो बिन बुजुर्गों के, जो घर हो बिन बुजुर्गों के, उसे तू घर बताता है, जो घर हो बिन बुजुर्गों के, उसे तू घर बताता है, अरे बिना देवों के क्या कोई भवन। बुजुर्ग हमारे देवता है, बुजुर्ग देवता बात है, बिना देवों के क्या कोई भवन, मंदिर कहता है, बिना देवों के क्या कोई भवन, मंदिर कहता है, जो घर हो बिन बुजुर्गों के। और आज का ट्रेंड है कि दादा दादी को दूर कर देते हैं, लेकिन जब दादा दादी घर में होते तो देखना, दृश्य प्रस्तुत करता हूँ, दृश्य खींचता हूँ, स्वागत है। अगर दादा दादी घर हो तो घर फिर जगमगाता है, अगर दादा दादी घर हो तो घर फिर जगमगाता है, हमुनिया खेलती गोदी, हमुनिया खेलती गोदी, ये मुन्ना खिलखिलाता है, हमुनिया खेलती गोदी, ये मुन्ना खिलखिलाता है, जो घर हो बिन बुजुर्गों के। बहुत बढ़िया। और देखना साहब, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने क्या क्या बच्चों के साथ किया, कि वो जिसने उंगली पकड़ आसे ज्ञा तक सब कुछ सिखाया था, वो जिसने उंगली पकड़ आसे ज्ञा तक सब कुछ सिखाया था, जो थर थर हाथ बे कांपे, जो थर थर हाथ बे कांपे, तू दामन छोड़ जाता है, जो थर थर हाथ बे कांपे, तू दामन छोड़ जाता है, जो घर हो बिन बुजुर्गों के। और बुजुर्गों को, माता पिता को, दादा दादी को कितना भी आप अत्याचार कर ले, लेकिन वो हमेशा दुआएं मांगते हैं। वो जिसने बच्चों की खातिर न कितनी मन्नतें मांगी,
वो जिसने बच्चों की खातिर न कितनी मन्नतें मांगी, निकाला घर से है तूने, निकाला घर से है तूने, फरिश्तों को रुलाता है, निकाला घर से है तूने, फरिश्तों को रुलाता है, जो घर है बिन बुजुर्गों के। क्या बात है। अंतिम लाइनें प्रस्तुत करता हूं कविता की, कि बुजुर्गों की करो सेवा, समय कुछ इनको भी दे दो, उनको समय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी कविता। कि बुजुर्गों की करो सेवा, समय कुछ इनको भी दे दो, और शब्दों पे गौर फरमाना कि वृद्ध है वृद्धि का दाता है, है क्या बात है, से ही हमारी वृद्धि है, आइए से लेता है, वृद्ध है वृद्धि का दाता है, वही तो भाग्य विधाता है, वृद्ध वृद्धि का दाता है, वही तो भाग्य विधाता है, क्या बात है, हो बिन बुजुर्गों के, हो बिन बुजुर्गों के। एक बार पुनः नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वाह वाह वाह, टीवी 9 नेटवर्क पर रमेश गंगले जी ने जो शुभकामनाएं दी और जो हमें सीख दिया, इसको सीख को जरूर अपनाना है, और बुजुर्गों का आपने जो बताया, और ये पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो अपने बुजुर्गों को, माता पिता को भगवान से ऊपर का दर्जा देता है। तो आपकी इस पंक्तियों के लिए, आपकी इस कविता के लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और इस क्रम में अब हमारे साथ हैं मंजू साकिया जी। मैं मंजू साकिया जी के पास जाना चाहता हूं, कुछ पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ता हूं, फिर इनको आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। कि मस्ती में मुस्कान लिए, मस्ती में मुस्कान लिए है मंजू की मुस्कान, मस्ती में मुस्कान लिए है मंजू की मुस्कान, और क्या पढ़ती है गीत गजल, और ये है महफिल की जान। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मंजू साकिया जी, स्वागत है आपका महफिल की जान। बहुत आभार रुन जी। आजकल डिजिटल जमाना है और मैं मोहब्बत की कुछ डिजिटल पंक्तियां आप तक सुनती हूं। डिजिटल डिजिटल पंक्तियां सुनिए, बढ़िया नया शब्द, बहुत अच्छा। कि शबनम हवा, माइक में बाल लग रहे हैं आपके, एक मिनट, ठीक है ठीक, और हटा दीजिए, पूरा हटाइए। शबनम हवा, एक मिनट रुकिए, ठीक है चलिए कैरी ऑन। वाह, चार पंक्तियां मोहब्बत की, स्वागत है। शबनम हवा, धूप परछाई, दिवस रैन हर वाइब में। डिजिटल पंक्तियां है ये, डिजिटल पंक्तियां। शबनम हवा, धूप परछाई, दिवस रैन हर वाइब में, चलता है चलचित्र तेरा ही, यादों वाले लाइव में। क्या बात है। कि शबनम हवा, धूप परछाई, दिवस रैन हर वाइब में, चलता है चलचित्र तेरा ही, यादों वाले लाइव में, और एहसासों का एहसासों, लड़कियां यूं ही मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, मोहब्बत फिर से राज की बात बता रही है। बिल्कुल। कि शबनम हवा, धूप परछाई, दिवस रैन हर वाइब में, चलता है चलचित्र तेरा ही, यादों वाले लाइव में, और एहसासों का एहसासों का एक फोल्डर तुझको मेल किया मैंने, तेरे प्यार की फाइल रहती मेरे दिल की ड्राइव में। हाय हाय, क्या बात है, एकदम प्रयोग किया, बहुत बढ़िया डिजिटल प्रयोग है प्यार का ये। वाह, नहीं तो विभाग दादा तो कबूतर भेजते थे, और कई बार कबूतर तो राजा चेतन जी मार देते थे बीच में, कभी कबूतर यहाँ फंसे नहीं फिर भी। स्वागत है, स्वागत है। अब डिजिटल प्रेम प्रूफ के साथ है। अच्छा, लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति, आपका प्रेमी, आपका पति आपसे आंख चुराने लगे, अच्छा, तो सवाल जायज है। और मैंने भी सवाल किए हैं। फिर डिजिटल सवाल कीजिए। नहीं, स्वागत है, सुनेगा सवाल मैंने क्या किए। कि वो आंख हमसे लगे चुराने, वो आंख हमसे लगे चुराने, हुआ है कुछ तो, वो आंख हमसे लगे चुराने, हुआ है कुछ तो, और बदल के रास्ता लगे वो जाने, हुआ है कुछ तो, वो आंख हमसे लगे चुराने, हुआ है कुछ तो, बदल के रास्ता लगे वो जाने, हुआ है कुछ, हुआ है कुछ तो, और जो हमने पूछा, जो हमने पूछा कि क्या हुआ है बताओ हमको,
जो हमने पूछा क्या हुआ बताओ, हमने पूछा कि क्या हुआ है बताओ हमको, तो बात लाखों लगे बनाने हुआ हुआ है तुझको। क्या बात है, लाखों लगे बनाने और क्या क्या करने लगते हैं। हाँ। आप लोग कहते हैं ना कि जब अगर किसी के फोन का पासवर्ड पत्नी के हाथ में लग जाए तो पता नहीं क्या हो। मैंने वो लिखने की कोशिश की है। उस दिन वो घर ही नहीं जाते तो। कि लगे लगाने हैं लॉक अब तो वो फोन में भी। फोन में भी, फोन में भी, फोन में ही लगता है लॉक ज्यादातर। नहीं, लॉकर में भी लगता है। अच्छा। क्रेडिट कार्ड में भी लगता है कि वो लॉक लगे लगाने, लगे लगाने हैं लॉक अब तो वो फोन में भी, वो हमसे सब कुछ लगे छुपाने। हुआ है कुछ तो, हुआ है कुछ तो, वाह बहुत अच्छे। और रोज नई नई फोटो स्टेटस बहुत बदलते हैं सर, हम देखते हैं। मतलब पूरा ध्यान इन्हीं पे है, इन्हीं पे है। अभी लंदन तो यही लेके लेके आए हैं। बात वो है, वाह 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 वाह, स्वागत है, स्वागत है। कि लगा रखी स्टेटस पे उसने गजब की फोटो, गजब की फोटो लगा रखी आ जाए। कि लगा रखी स्टेटस पे उसने गजब की फोटो, गजब की फोटो, गजब की फोटो। लगे हैं सुनने नए तरह। वाह है कुछ तो, वाह 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 वाह। और डियो महकता है अब बदन पर, डियो महकता है बदन पर, डियो महकता है बदन पर, है रंग बदले। डियो महकता है अब बदन पर, है रंग बदले, वो बालों को भी लगे रंगाने। हुआ है कुछ तो। और रील बनाने का 60 वाला, ये सबसे बढ़िया पंक्तियां यही थी। रील बनाने का बड़ा ट्रेंड है, सब लोग डालते हैं तरह तरह की बना बना के। एकदम एकदम। और मेरा वाला भी डालता है। कैसे सुनिए कि इंस्टा पे लाइव करे धड़ाधड़, धड़ाधड़ वो रील डाले। बुआ तो इंस्टा पे लाइव करे धड़ाधड़ वो रील डाले। और हुए हैं ट्विटर के भी दीवाने। हुआ है कुछ तो, हुआ है कुछ तो, बहुत अच्छा, बहुत। और फिगर कॉन्शियस, सबको भूत चढ़ाए सलमान खान बनना है, लड़कियों को कैटरीना कैफ बनना है। कि नहीं लुभाती है चाय अब तो ग्रीन टी बस, ग्रीन टी बस बहुत नहीं लुभाती है चाय अब तो ग्रीन टी बस, फिगर को जीरो लगे बनाने। हुआ है कुछ तो। और साथ में अगर हो तो फोन पर डायरेक्ट बात नहीं होनी, एकदम चाहिए हैंड फ्री, ताकि किसी को सुनाई ना दे। बहुत दिक्कत है। ये 9 वर्ष में ना रिजोल्यूशन ले लीजिए, जो इनके सुन रहे हैं ना, 9 वर्ष में रिजोल्यूशन ये लीजिए कि जितनी बातें ये बता रही है, हुआ है कुछ तो वाला ना हो जाए मामला। स्वागत है, वाह। कि है हैंड फ्री की उन्हें जरूरत मिनट मिनट पर, है हैंड फ्री की उन्हें जरूरत मिनट मिनट पर, वो टॉक टाइम लगे बढ़ाने। हुआ है कुछ तो, वो टॉक टाइम लगे बढ़ाने। हुआ है कुछ तो, तो ये कुछ तो होता है। और लेकिन लड़कियां जो प्रेम करती हैं वो तो बस उसी के बोल सर्च करती हैं, उसी को देखती हैं। मैं 4 पंक्तियों बताती हूँ। स्वागत है। और देखती भी किस लिए है कि 9 वर्ष पे ये पंक्तियां कई लोगों के काम आ जाएंगी, कई लोगों के काम आनी भी चाहिए जी। स्वागत। देखती इसलिए है कि ये व्यस्ततम लाइफ में एक लड़की या एक पत्नी या एक प्रेम का कोई भी हो, वो चाहती है कि एक दिन तो मुझे मिले। लेकिन वो दिन मिलता नहीं, मिलता है, नहीं है। तो वो कहती है कि तुम मेरे लिए इतवार क्यों नहीं बन जाते। तो मैं 4 पंक्तियां इतवार में इससे पहले इनको बना चुका था, इसीलिए मैं मुझे वही याद आया। मैं इसीलिए इतवार वाले गीत का एक बंद सौंपूंगी। स्वागत है, स्वागत है। कि समय की अनबरत दौलत तुझी पर खर्च करती है, समय की अनबरत दौलत तुझी पर खर्च करती है, ये दिल की डायरी में नाम तेरा दर्ज करते हैं। और उठाकर उठाकर फोन हाथों में मैं व्हाट्सएप ऑन करती जब, उठाकर फोन हाथों में मैं व्हाट्सएप ऑन करती जब, मेरी ये उंगलियां
बस बोल तेरी सर्च करती है। क्या प्रयोग है, वाह। और तुम हो कितने व्यस्त हो, समय नहीं देते। तो मैं कहीं ना कहीं शिकायत सारी महिलाओं की तरफ से, सारी लड़कियों की तरफ से एक शिकायत पहुंचाना चाहती हूँ। पहुंचाइए। सुनिएगा कि सुबह व्यस्त तुम, आज शाम व्यस्त तुम, सुबह व्यस्त तुम, शाम व्यस्त तुम, व्यस्त तीज त्योहार। सुनो प्रिय एक रोज बनो मेरी खातिर इतबार, प्रिय बन जाओ ना इतबार, सुबह व्यस्त तुम, शाम व्यस्त तुम, व्यस्त तीज त्योहार। सुनो प्रिय मेरी खातिर एक रोज बनो इतवार, प्रिय बन जाओ ना इतवार। कैसा इतवार चाहिए, सुनेगा अरुण जी। अभी तक राजेश जी से कह रहे थे, अब आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आप सरकारी महकमे में हो, आपको छुट्टी नहीं मिलती होगी। वाह 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 वाह, मेरी वाली भी सुन ले ये कविता। हाँ, कि वो इतवार कि जिसमें मैं हूँ तुम हो और तन्हाई, वो इतबार कि जिसमें मैं हूँ तुम हो और तन्हाई, मन के मधुबन में हो केवल चाहत की कविताई। क्या बात है, लिख कर प्रेम भरी चौपाई, बंद नयन के पट पर, लिख कर प्रेम भरी चौपाई, बंद नयन के पट पर, अंकित कर देना अधरों पर चाहत की कविताई। तो अक्षर 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 पढ़ना मुझको करके तुम अखबार, प्रिय बन जाओ ना इतवार, सुबह व्यस्त तुम, शाम व्यस्त तुम, व्यस्त तीज त्योहार। सुनो प्रिय मेरी खातिर एक रोज बनो इतवार, प्रिय बन जाओ ना इतवार। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। और क्या क्या चाहती हूँ सुनेगा, कि हो अलमस्त सुबह जिसमें उल्फत की जले अंगीठी, हो अलमस्त सुबह जिसमें उल्फत की जले अंगीठी, तेरे होठों पर हो बातें चाय सरीखी मीठी, और थाम के मेरा हाथ करे तू, थाम के मेरा हाथ करे तू, जुल्फों से अठ खेली, सुलझ न पाए हम दोनों से अपनी प्रेम पहेली, सुलझ न पाए हम दोनों से अपनी प्रेम पहेली, हम दोनों के बीच चले फिर, हम दोनों के बीच चले फिर, खट्टी मीठी रार, प्रिय बन जाओ ना इतवार। वाह वाह वाह। और कहीं घूमने नहीं जाना, कुछ नहीं करना, मुझे क्या चाहिए वो सुनो, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए तुम्हारा, कोई पैसे नहीं चाहिए, कि शॉपिंग वॉपिंग मॉल बोलना कहीं घूमने जाएं, शॉपिंग वॉपिंग मॉल बोलना कहीं घूमने जाएं, बातों का रस पान करें, चाहत की दाल पकाएं, बातों का रस पान करें, चाहत की दाल पकाएं, हर टेंशन की छुट्टी कर दे, छटे दर्द के बादल, थोड़ा सा तू हो जा, अरुण जी एकदम सुन रहा हूँ मैं, थोड़ा सा तू हो जा, थोड़ी मैं हो जाऊं पागल, थोड़ा सा तू हो जा, थोड़ी मैं हो जाऊं पागल, कि पागलपंथी में कुछ लम्हे, पागलपंथी में कुछ लम्हे, कर डाले गुलजार, प्रिय बन जाओ ना इतबार। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां मंजू साकिया जी के लिए। और 2023 में इनका इनका जो ख्वाब है कि इनके पति देव इतवार बन जाए, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2023 में आपकी ये कामनाएं पूरी हो जाए, और आप 2023 आपको ये कामनाओं की भरा हुआ 2023 हो। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं, और क्रम में हमारे साथ हैं
विभाग जौनपुरी जी, और विभाग जौनपुरी जी साहित्य के, मैंने पहले बोला कि साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, इनको बहुत अदब के साथ हमारी महफिलों में नाम लिया जाता है। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं और सीधे उनको आमंत्रित करता हूं। और इनको काव्य जगत में गुरु भी बोला जाता है, तो ये जब गुरु गुरुदेव बोले जाते हैं तो मुझको पंक्ति में मुझे लगता है कुछ पंक्तियां इसी पे समर्पित करके इनको बुलाता हूं कि काव्य जगत के चेले पाले, काव्य जगत के चेले पाले जिसने कई कमाल, काव्य जगत के चेले पाले जिसने कई कमाल, और पहले कहते गुरु जी इनको बाद कहे घंटाल। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विभाग जौनपुरी जी का आपके बीच में। स्वागत है अरुण जी, बहुत बहुत आभार आपका घंटाल के लिए या गुरु के लिए। आप भारत के श्रेष्ठ हास्य हास्य कवि हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, और आपकी हर बात को मैं शर्माते लेता हूं बड़ी विनम्रता के साथ। वाह, स्वागत है। बात प्रेम की चल रही थी, मंजू जी ने बहुत तरह से अपने प्रेम को प्रदर्शित किया, लेकिन मैंने जो प्रेम सीखा वो मैंने देश से प्रेम करना सीखा। और क्या बात है, मैं वहीं से अपनी बात कहता हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत है, काम जो देश के नहीं आए वो जवानी भी क्या जवानी है। क्या बात कह दिया भाई, वाह। काम जो देश के नहीं आए के नहीं आए वो जवानी भी क्या जवानी है। वाह वाह। काम जो देश के नहीं आए वो जवानी भी क्या जवानी है। वाह। लेने को ले रहे हैं सांसे सब, व्यर्थ ऐसी तो जिंदगानी। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है, साहब क्या कहने हैं, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, वाह। मैं ध्यान ले जाना चाहता हूँ इस जनवरी की ठंड में लेह और लद्दाख पे खड़े हमारे उन जवानों के लिए, क्या जो जीरो डिग्री तापमान पे देश की सुरक्षा में क्या बात लगे हुए हैं, उनको समर्पित अपनी पंक्तियां करता हूँ। स्वागत है। और कुछ सवाल रखता हूँ। वो भी तो आदमी हमारी तरह, सरहदें जिनका आसियाना है। क्या बात, वो भी तो आदमी हमारी तरह, क्या बात है, सरहदें जिनका आसियाना है। वाह 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 वाह। भाव कोमल है उनकी आँखों में, दिल तो उनका भी आशिकाना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो खड़े हैं जो तन के सरहद पर, वाह क्या बात है, वो खड़े हैं जो तन के सरहद पर, वाह। उनकी तबीयत भी तो रुमानी है। क्या बात, धन्यवाद, क्या बात के नहीं आए वो जवानी भी क्या जवानी है। टीवी 9 के दर्शकों के सामने अपनी कविता के माध्यम से अपने भाव स्वागत प्रस्तुत करता हूं कि हम 3 नाम लेते हैं जब भी क्रांति की या देश की आजादी की बात होती है, बलिदान की बात होती है, तो 3
शहीद भगत सिंह, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीन नामों को हम लेते हैं, वो जो भरी जवानी में फांसी के फंदों को जिन्होंने चूम लिया, तो उनके लिए कहता हूं कि सोच लेते अगर भगत सिंह तो फूल जीवन में उनके खिल जाते। क्या बात है, क्या बात है। सोच लेते अगर भगत सिंह चाहते तो भगत सिंह के विवाह नहीं कर सकते। वाह 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 वाह। सोच लेते अगर भगत सिंह तो फूल जीवन में उनके खिल जाते। चाह लेते अगर जो राजगुरु, वाह वाह, वो मोहब्बत से अपनी मिलाते। वाह 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 वाह। सुख नहीं चाह, सुख देव ने भी, शानदार प्रयोग। सुख नहीं चाह, सुख देव ने भी, यूं ही दुनिया नहीं दीवानी है। राम जो देश के नहीं आए, व्यर्थ ऐसी तो जिंदगानी है। काम जो देश के, तब मैं वहां से लिखता हूं कि मुझे तो जान से प्यारा मेरा तिरंगा है। नौ वर्ष पर आवाहन करता हूं ये टीवी 9 के दर्शकों से, मुझे तो जान से प्यारा मेरा तिरंगा है। लहरता नभ में यूं जैसे जमीन पे गंगा है। और मुस्कुराहट मैं देखता हूं उन शहीदों की, जिनके बलिदानी रंगों में रंगा तिरंगा, जिनके बलिदानी रंगों में रंगा तिरंग। तब कहता हूं कि भाल भाल भारत का तुम रखो ऊंचा। देशवासियों से कहना चाहता हूं उस नववर्ष की प्रथम दिवस, हाँ जी, स्वागत कि भाल भारत का तुम रखो ऊंचा, अपनी सेवा और समर्पण से। वाह। जो भी हो सोच देश हित में हो, वाह वाह, मन के सब त्याग और अर्पण से। वाह। राष्ट्र सेवा से बढ़ के कुछ भी नहीं, कसम ये अंत तक निभानी है। वाह 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 वाह। काम जो देश के नहीं आए, व्यर्थ ऐसी वाह 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 वाह। नौ वर्ष से इनकी शुभकामनाएं, विभाग जौनपुरी की शुभकामनाएं आप तक पहुंच रही थी टीवी 9 नेटवर्क पे। मैं पूरे टीवी 9 नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इसका पार्ट के लिए। और नौ वर्ष का जश्न अभी भी जारी है और हमारे साथ एक कवि शेष हैं जो कि बहुत ज्यादा विशेष हैं। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं, फिर उनको सम्मान के साथ बुलाता हूं कि ये जो नव वर्ष में शहीदों को याद करना है, क्योंकि ये त्यौहार जो तीज त्यौहार जो भी हम देश में मनाते हैं उन शहीदों के लिए, उन सैनिकों को जरूर याद करना चाहिए, इसलिए विभाग जौनपुरी दादा ने इन्होंने याद भी किया। मैं सबकी तरफ से उन शहीदों को याद करता हूँ, उन सैनिकों को प्रणाम करता हूँ जो इस अपने इस वक्त भी सरहद की रक्षा के लिए, जनवरी माह है और जनवरी माह में इतनी कड़क ठंड में। मैं कुछ पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ न्यू ईयर पे, नववर्ष पे। स्वागत स्वागत कि आ रहा 23 सुहाना,
आ रहा 23 सालाना मुस्कुराना हो गया। तालियों का थाप मिले। आ रहा 23 सुहाना मुस्कुराना हो गया, आ रहा 23 सुहाना मुस्कुराना हो गया, मुस्कुराना हो गया यहाँ दिन सुहाना हो गया, मुस्कुराना हो गया यहाँ दिन सुहाना हो गया, आ रहा 23 सालाना मुस्कुराना हो गया। और क्या है, एक तो बीता समय है दूसरे का जन्म है। एक तो बीता समय दूसरे का जन्म है। बीत रहा है 2022 आ रहा है, जन्म हो रहा है 2023 का। एक तो बीता समय है दूसरे का जन्म है, तीसरा आशा का खिलना मुस्कुराना हो गया, तीसरा आशा का खिलना मुस्कुराना हो गया, आ रहा 23 सालाना मुस्कुराना हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो शेष और विशेष कवि है चेतन जी, ये मुस्कुरा बहुत इसलिए रहे हैं और मैं इनको पूरे सम्मान के साथ इसलिए बुला रहा हूँ कि एमसीडी में मिल गया है वेतन जी और आपके सामने आ रहे हैं राजेश चेतन जी। बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। एमसीडी में मिल गया है वेतन जी, ये हमारे दो एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच में हैं, इन दोनों को बधाई देता हूँ। इनकी मुस्कुराहट बता रही है हमको रात को पार्टी करेंगे। मंजू जी ने बहुत प्रेम के गीत सुनाए। मंजू जी, भारत को और चीन को प्रेम की जरूरत नहीं। भारत तो बिना प्रेम के 140 करोड़ है और कितना प्रेम करें। बहुत बढ़िया। कितना प्रेम कर, 280 करोड़ हो जाएंगे। 280 करोड़ हो जाएंगे। जिनके लिए गीत सुनाया वो उनके लिए सुनाया जो एक पटक जाते हैं। अभी तो आपने खुद ही कहा कि 22 में दो था और 23 में तीन है। रमेश गंगाले जी, तो तीन तो आपने बोल ही दिए थे ना। हाँ, बोल दिया इन्हें। मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। वाह, स्वागत है। बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम हुआ है आज TV9 के ऊपर। स्वागत। और एक डॉक्टर जो कि विख्यात डॉक्टर है, प्रख्यात डॉक्टर है, वो संचालन कर रहे हैं इस कवि सम्मेलन का, कवि गोष्ठी का। सर्जन भी और सर्जक भी। सर्जक। मैं कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं और कुछ नेताओं को बुलाना चाहता हूं। बुलाइए। हाँ, मेरा साथ दीजिएगा आप सब। बुलाइए बुलाइए। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। क्या बात है, घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। राहुल बाबा उन्हीं पटके हैं, ये उन्हीं पटके हैं। इस बार लग रहा है कि 2023 में बेड़ा पार करा देंगे। देखिए, जहाँ पे टकता है व्यक्ति वहाँ बहुत मोहब्बत होती है। देखो, मेरे प्रिय नेता हैं तो दो पंक्तियां सुनिए। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। क्या तीरथ खोजा है भाई साहब ने, दुनिया का श्रेष्ठ तीर्थ खोजा। राहुल बाबा, मंजू जी, राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं पर दुल्हन के घर तक जाना के बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। प्रार्थना करता हूँ TV9 के कैमरे के माध्यम से कि 2023 में दुल्हन तो कम से कम उनको मिल ही जाए। मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ, आप फेरे आपको करवाने पड़ेंगे। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, लगा टोपियां। पहले प्रधानमंत्री जी हमारे मनमोहन जी थे जो बोलते नहीं थे। ये कितना बोलते। दूसरे ये भाई साहब आए हैं, चुप ही नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात बोलते ही रहते। मुझे बेबाक जौनपुरी ने पूछा, मेरे बड़े भाई हैं, बोले राजेश चेतन ये इतना क्यों बोलते हैं। मैंने कहा बेबाक जौनपुरी साहब, जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना उसको मन की बात रेडियो पे ही करनी। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता,
लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से मोटे भाई से बचपाना उनके बस की बात नहीं। और बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, भाई दाऊद जी से लड़ना उनके बस की बात नहीं। टोटी भैया समझते हम, टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे, टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे, पर बुलडोजर से टकराना उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूँ, ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। ये अच्छा है, ये बढ़िया है। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। मेरे को ध्यान आ गई भाई आपकी इन पंक्ति पे, ठोको ठोको। मैं कहना चाहता हूँ, छूटे हैं वो जेल से कौन, कोई भी हो, इतने समझदार तो हो, टोको टोको। छूटे हैं वो जेल से, बंद रखेंगे चोंच। जी जी, अब बोलूंगा तौल के, मन में रहे हैं सोच। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। टोको टोको, ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ठोक दिया, ठोक दिया। अपना खोया मान बचाना उनके बस की बात नहीं। और फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी खेल रहे। केजू भैया केजरीवाल साहब मेरे गांव के हैं, भिवानी के। मैं भी भिवानी का हूँ, असलियत जानते हैं, वो भी भिवानी के हैं। औकात जान रहे हैं आप? हाँ, जहाँ जहाँ मैंने बताया मैं भिवानी का हूँ, केजरीवाल मेरे गांव के हैं, लोगों ने मुझे कूटा। मैं बहुत पिटा हूँ, तो आजकल मैं बोलता हूँ पड़ोस के गांव का। तब सुना, फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। और पंक्तियां सुनना, नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है। क्या संकल्प है भाई साहब का, नशा मुक्त पंजाब करेंगे, बहुत बढ़िया। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की, बिन दारू के चल। क्या पंच है, अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार मैं चाहता हूँ सब लोग तालियां बजाते हैं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, पर जनता से आंख मिलाना उनके बस की बात नहीं है। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज अरुण जी के, डॉक्टर अरुण के संचालन में और बेबाक जौनपुरी एक वरिष्ठ कवि साहित्यकार हमारे बीच उपस्थित। बेबाक भाई, भारत बदल रहा है निश्चित तौर। हमारे दादा ने, हमारे पड़दादा ने, हमारे लक्कड़ दादा ने राम मंदिर बनते नहीं देखा। हमारे दादा ने, हमारे पड़दादा ने, हमारे लक्कड़ दादा ने 370 हटते नहीं देखी। बिल्कुल नहीं। हमारे दादा ने, हमारे पड़दादा ने, हमारे लक्कड़ दादा ने यूक्रेन में जिसके हाथ में तिरंगा था वही पासपोर्ट हो गया भारत माता के जय के नारे। तोप रुक गई, मिसाइल रुक गई, और भारत माँ की जय के साथ लोग निकल गए। ये दृश्य नहीं देखा हमारे दादा ने, हमारे पड़दादा ने, हमारे लक्कड़ दादा ने। बेटियां अंतिम संस्कार कर रही है, ये दृश्य नहीं देखा हमने। देखा भारत बदल रहा है। लेकिन ये लक्कड़ दादा कौन है? हाँ, लक्कड़ दादा तीसरी पीढ़ी हमारे हरियाणा में लक्कड़ दादा बोलते हैं। सुनिएगा, स्वागत। घर घर तिरंगा लहराया, भारत बदल रहा है। इतने तिरंगे जो हमने 26 जनवरी को देखे अमृत महोत्सव के दिन, कभी नहीं देखे भारत में। घर घर तिरंगा लहराया, भारत बदल रहा है। पावन अमृत उत्सव आया, भारत बदल रहा है। 5 सदी से प्रभु राम को कैद किए बैठे थे, राम लला मंदिर बनवाया, भारत बदल रहा है। और 370 के कारण से घाटी नरक हुई थी, कश्मीर को स्वर्ग बनाया, भारत बदल रहा है। भारत बदल रहा है। वाह वाह।
और अग्नि संस्कार पहले बस बेटा ही करता था। और मंजू जी बैठी हैं, मंजू जी देश के बड़े जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार चल रहा था डॉक्टर अरुण दिल्ली कैंट में, राजेश चेतन भी अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। मुझे नहीं पता था कि उनके बेटा नहीं है। दो बेटियां हाथ में अग्नि लेके पिता का अग्नि संस्कार करने आगे बढ़ी, तो मेरे कवि मन ने चार पंक्तियां कही। स्वागत है, स्वागत। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, मंजू जी को समर्पित करता हूं, सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है, और संस्कार जब बेटी भी कर सकती है तब काहे को बेटे बेटे करना है, तब काहे को बेटे बेटे करना है। अग्नि संस्कार, अग्नि संस्कार पहले बस, बार और पढ़ो भाई, सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सब सुनो सब सुनो, अग्नि सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है, और संस्कार जब बेटी भी कर सकती है तब काहे को बेटे बेटे करना है, तब काहे को बेटे बेटे करना है। अग्नि संस्कार पहले बस बेटा ही करता था, अग्नि संस्कार पहले बस बेटा ही करता था, अब बेटी ने धर्म निभाया, भारत बदल रहा है। अब बेटी ने धर्म निभाया, भारत बदल रहा है। पाक चीन की शैतानी अब सहन नहीं करते हम, रमेश भाई, पाक चीन की शैतानी अब सहन नहीं करते हम, घर में घुसकर सबक सिखाया, भारत बदल रहा, भारत बदल रहा है। और बोलना चाहता हूँ, भारत भूख के वैज्ञानिक की दुनिया में चर्चा है, भारत भूख के वैज्ञानिक की दुनिया में चर्चा है, जनगणमन मंगल पर गाया, भारत बदल रहा है, जनगणमन मंगल पर गाया, भारत बदल रहा है। दुनिया भर की बड़ी कंपनी हम संचालित करते, दुनिया भर की गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी कंपनी, दुनिया भर की बड़ी कंपनी हम संचालित करते, अपनी मेधा को चमकाया, भारत बदल रहा है, अपनी मेधा को चमकाया, भारत बदल रहा है। तीन तलाक हलाला से महिलाएं अपमानित थी, संसद में कानून बनाया, भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है। और बोलता हूँ, पहले नेता मस्जिद जाते, अब मंदिर जाते, होड़ लगी मंदिर जाने, पहले नेता मस्जिद जाते, अब मंदिर जाते हैं, धर्म सनातन को अपनाया, भारत बदल रहा है। और आखिरी की दो पंक्तियां सुनना, गुंडा हो या चोर माफिया, आतंकी भी डरता, ये पंक्तियां यूपी वालों को ज्यादा समझ आएगी। गुंडा हो या चोर माफिया, आजकल बाबा जी किसी अपराधी को लिए जीप भेजते हैं लेने के लिए, वो कहता जीप पे नहीं पैदल ही चलूंगा। कब पलट जाए। तब दो पंक्तियां सुनना, गुंडा हो या चोर माफिया, आतंकी भी डरता, बुलडोजर की अद्भुत माया, भारत बदल रहा है। और ये आपके बीच में राजेश चेतन जी, अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि, भारत बदल रहा है 2000। आपने जो भी काव्य पाठ किया, समस्त टीवी नेटवर्क की तरफ से, समस्त कवियों की तरफ से मैं आपको बधाई प्रेषित करता हूं। और 2023 भारत तो अभी तक बदल ही रहा था, 2023 आने वाला भारत का है, आने वाला भविष्य हमारा सुखद होगा। इसी मंगल कामना के साथ एक बार पुनः मैं डॉक्टर अरुण पांडे सभी समस्त कवियों की तरफ से आपको नमस्कार करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और यह मंगल कामना करता हूं कि 2023 आपकी उम्मीदों वाला 23 हो। इसी के साथ तब तक दीजिए इजाजत, देखते रहिए TV9 नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।